प्रदेश के मुखिया भले ही शासकीय योजनाओं को सही दिशा में संचालन और सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करते हो, लेकिन अफसरशाही के चलते आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार का है, जहां के पकरिया सेक्टर में तैनात इंजीनियर अंजलि चौहान की कार्यप्रणाली की शिकायत को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से शिकायत कर हटाने की मांग की है। सेक्टर के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने शिकायती पत्र देकर बताया है कि सेक्टर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में हो रहे शासकीय कार्य में घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। सही समय पर मूल्यांकन न होने से मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, जिससे मजदूरों में असंतोष है। इतना ही नहीं, इनकी लापरवाही के चलते शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय पर कार्य भी नहीं हो पा रहा है। खास बात यह भी है कि इससे पहले भी इंजीनियर अंजलि चौहान की कई शिकायतें हो चुकी है, लेकिन ना ही उनकी कार्यप्रणाली बदली, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। खोज निकाल के हमारे सेक्टर में सभी 12 पंचायतें आते हैं और 12-13 पंचायतें प्रभावित है। कोई काम नहीं हो रहा, मिट्टी काम हुआ तो मूल्यांकन सही नहीं चल रहा, इसे लेबर का भी भुगतान नहीं हो पाता है। तो लेबर में रोज व्याप्त है, 190 रुपये है तो कहीं 82 रुपये, कभी 110 रुपये, इस तरह से मूल्यांकन करते हैं। तो लेबर कैसे, हम पंचायत में काम नहीं करेंगे। इससे हमारा लक्ष्य जो है कि लास्ट लास्ट का समय चल रहा है कि पूर्ति कर देते तो 3 महीने से काम ठप पड़ा हुआ है। अगर वो हम लोग बार बार मांग के जिला सीओ साहब से कि भाई उनको हटा के कहीं और कर दिया जाए और दूसरे इंजीनियर को हमारे सेक्टर में भेज दिया जाए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसीलिए कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिए हैं और जैसा वो निराकरण करें, हम लोग का तो यही मांग है। कौन लोग हैं आप लोग? सरपंच हैं हम लोग। कितने गाँव के सरपंच हैं आप लोग? हम लोग 12 गांव के सरपंच है, 2-4 लोग तभी दे के चले गए, पूरे लोग आए थे। तो किस सेक्टर के, किस क्षेत्र के सरपंच आप लोग, किस क्षेत्र के? ये हम लोग हैं बुढ़ार जनपद क्षेत्र। बुढ़ार जनपद जी। दिक्कत कौन कर रहा है? अंजलि अंजलि चौहान, सब इंजीनियर। क्या सब इंजीनियर हैं जी? तो काम मतलब करने नहीं दे रही है? हाँ, मतलब उनका सही है, उनके संरक्षण में काम करना ही नहीं चाहते, उसकी जगह दूसरे कोई इंजीनियर भेजा जाए। उनका कोई भी काम में टीका टिप्पणी करती हैं और सही नहीं बताती हैं। एक पंचायत अगर मान लीजिए गलत करता है, क्या 12 पंचायत का सरपंच काम गलत कर रहे हैं? किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करती हैं। तो सभी 12 पंचायत के सरपंच पहुँचे हैं? जी जी जी। आपका नाम? हाँ, प्रताप। मेरा नाम तो है, क्या कहते हैं, प्रताप सिंह, सरपंच ग्राम जरवा। क्या नाम है? फागूलाल। नहीं, पूरा नाम बताइए अपना। पूरा फागूलाल। फागूलाल जी। कहाँ के सरपंच हैं? हाँ, इस मामले को मतलब जो है कलेक्टर साहब के पास सरपंच वहाँ पे गए थे, शिकायत तो हुई है, उस पर जिला पंचायत माननीय कलेक्टर साहब इस विषय में गंभीरता से उसकी जांच करा रहे हैं, कहाँ पे अगर सही है तो उस पर कार्रवाई। सीओ साहब से चर्चा हुई है इस संबंध में, उन्होंने कहा कि इस पर जिला पंचायत सीओ सपन जो है चर्चा कर इसको, उनकी जो भी अगर कमी है उसमें सुधार के लिए, और जहाँ तक मांग है कि भाई इनको यहाँ से चेंज किया जाए, वो सीओ साहब के मार्गदर्शन में आगे कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे क्या करना है। नहीं, अब चूँकि ये मामला गंभीर हो चुका है, इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा जो है अभी कल बैठक में यहाँ पे आप बात आया है, उसको आगे लिए जो है उसमें विचार करेंगे कार्रवाई के लिए। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।